अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम देंगे अपना होम टूर, क्योंकि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना पूरा होम टूर दो। जो नया घर है उसका होम टूर कराएं। तो वैसे तो हमने पहले भी कराया, लेकिन जो हमारे जो नए व्यूअर है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे कि हमें होम टूर दे। और हमारे जो टिकटॉक के व्यूअर है वो उनकी खास रिक्वेस्ट है, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो हम टिकटॉक पे लाइव भी आते हैं। जो भी पाकिस्तान को छोड़ के जहाँ से कंट्री से भी देख रहा है तो हमें टिकटॉक पे लाइव करें देख सकता है और बात भी देख सकता है और हमें बात भी कर सकता है हमसे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा मेन गेट। ठीक है, ये है हमारा खूबसूरत सा घर। यहाँ से मेन गेट शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। क्यों बेटी? अंदर आते ही सबसे पहले आता है गिराज। मतलब कि गाड़ी सबसे पहले ये आ जाता है गिराज। ये पूरा गिराज का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं खड़ा किया हुआ। ये पानी रखा हुआ है पीने वाला, और ये मोटरसाइकिल एक आदत खड़ी की हुई है, और ये मोटरसाइकिल जो है ना चलती नहीं है, खड़ी रहती है। जब भी इसको देखो खड़ी रहती है। अभी वैसे मैं सोच रहा हूँ इसको एक दो दिन में जाऊं धुलवा के लाऊं। आप क्या कहते हो? यहाँ पे शेर लगा हुआ था, घोड़ा, बच्चों ने वो तोड़ दिया। यहाँ से इंटर होते ही गैराज है। ठीक है, और यहाँ से रास्ता जा रहा है सीढ़ियों का, नहीं छत पे रास्ता जाता है बेटी। जा तो सीढ़ियाँ रही हैं, लेकिन रास्ता तो कहाँ जाता है? और यहाँ पे इंटर होते ही यहाँ पे जो है ना एक आदत बाथरूम आ जाता है। क्यों? हाँ, ये बाथरूम है, मतलब कि अगर कोई पर्सनल बाहर कोई बोलता है कि बाथरूम वगैरह यूज करना है तो ये वाशरूम, हाँ तो ये वाशरूम यूज कर सकता है। तो चलो अंदर एंट्री करते हैं। बेसन भी लगा हुआ है। हाँ जी, बहुत जबरदस्त डिजाइन से घर बना हुआ है। और इस साइड आ जाता है हमारा खूबसूरत सा किचन। ये हमारा किचन आ जाता है। ठीक है, इसमें अभी हमने जो है ना किचन में हमने अभी ज्यादा कुछ नहीं रखा, ये हमने रखे अपने बच्चों के लिए, वो जो आलू उबालते हैं। ये है जी किचन। ठीक है, और यहाँ पे इंटर होते ही ये हमारा कूलर है। और हम जो है आलू आजकल बहुत मजे के आ रहे हैं, ये हम लोग उबाल उबाल के रोज खा रहे हैं। ठीक है, वैसे भी सेहत के लिए आलू और ऐसी चीजें जो वायु वाली चीजें खानी चाहिए। ठीक है, इंटर होते ही इस साइड पे हमारा जो है ना किचन है पूरा। और ये है हमारा खूबसूरत सा फ्रिज। ठीक है, कितने 3 साल हो गए मेरे ख्याल में। हाँ 3 साल हो गए फ्रिज को, और माशाल्लाह अभी तक बिल्कुल मस्त चल रहा है, अच्छा चल रहा, कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये तो बिट्टी को जूस मैंने बना के दिया। एक्सपायर नहीं हुई, यही तो सही है, नहीं हमने ली वो एक्सपायर हो गई, ये बिल्कुल सही है। ये इसको कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल हो गए, 8 साल इस मशीन को हो गए हैं। सबसे अपनी जो पहली हमने अपने घर की चीज बनाई थी ये मशीन थी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम हमारा कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये है हमारा ड्राइंग रूम, ये है सारा एरिया अभी खाली इंशाल्लाह। हमने सोचा कि हम इसमें वो लाके रखेंगे, सोफे रखें या कुछ और ही नया करें। हाँ कुछ नया ही करें। बच्चे आ गए, दरवाजा खोलो, बच्चे आ गए। ये है ड्राइंग रूम, ये हमारा टेबल था डाइनिंग टेबल, लेकिन इसके साथ काफी सारी जो कुर्सियां थी वो टूट गई, इसलिए अब जो है ना कुर्सियां टूट गई, और अब जो है ना ये हमने दीवार के साथ लगा दिया। ठीक है, और ये इसके ऊपर सामान वगैरह रख लेते हैं, बच्चों के बैग है स्कूल के। ठीक है, और ये है ड्राइंग रूम, और ये आ जाता है हमारा टीवी लॉन्च। ये है आ जाता है हमारा टीवी लॉन्च, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपने सिल्वर प्ले बटन वगैरह घूरा लगाए हैं, और ये दीवार हम लोगों ने खुद बनवाई थी, बैकग्राउंड अच्छा आए। लेकिन बच्चे हमारे माशाल्लाह उस उम्र में चले गए हैं जिस उम्र में दीवारें साफ नहीं रह सकती कभी भी। हाँ ये देखो, ये सारी, ये जब हमने शिफ्ट किया था ये दीवारें ओके थी,
लेकिन अब बच्चे हमारे उस उम्र में हैं जिस उम्र में दीवारें पेंसिल मार लेते हैं यहाँ पे। हम अभी वो जब से हम कुर्सियाँ और डाइनिंग पे नहीं बैठते और ये चारपाई हमने यहाँ पे कर दी है, इसके ऊपर गद्दा लगा हुआ है बेड वाला, वो भी हम अपना लेके आए थे और बड़े सुकून से यहाँ पे बैठ जाते हैं उठ जाते हैं। डाइनिंग टेबल लाएंगे, अब चलते हैं अपने बेडरूम वगैरह की तरफ है। पहले ये वाला दिखाओ ना बच्चों का रूम, ये है ना, रुलाओ यार, दे 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 दे, ये है जी हमारे बच्चों का रूम, ठीक है। इसमें जो है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सोते हैं, ठीक है, अंजलि, जोया, नेहा, यहाँ मतलब कि तीन बच्चे इधर सो जाते हैं, कभी जोया सो जाती है, कभी सैमी सो जाता है और कभी जो है ना बिट्टी, क्या रोना धोना लगाया हुआ है आपने, क्या बोला है? जोया ने मारा है, ओके। तो ये है बच्चों का रूम, हाँ ये हमारी अलमारी है और ये है बच्चों का रूम, बच्चे यहाँ पे सोते हैं, मतलब इसमें मेरे बच्चों के कपड़े होते हैं, इसमें अंजलि के, जोया के, अलग अलग मेरे कपड़े रखे हुए हैं, उसके साथ कमरे में मतलब के अटैच वॉशरूम है, लेकिन वॉशरूम के बच्चे जो है ना वो दरवाजा खोल के छोड़ते हैं। यहाँ आंटी आई थी अभी, आंटी वहाँ आई थी, वो सही, और ये बिट्टी की सिलाई मशीन है लेकिन बिट्टी इस्तेमाल नहीं करती, इस्तेमाल नहीं करती जान, जो याद आ गया मैं कर खराब कर दी बच्चों ने, नहीं नहीं खराब नहीं कर दी, मैंने बोला कि कोई चीज सिलाई करो, उसकी ना जितनी भी सारी सुइयां सी इन्होंने गुम कर दी है ना, तो मैंने सुइयां लेके आनी, तो वो मैंने उतार के इसका अंदर रखा, ये इन्होंने एक दफा गिरा दिया था, तो फिर मैंने इसको छुपा दिया, मैंने बोला ऐसे गुम हो जाएगा, तो मशीन ना, तो बस कुछ वो क्या बोलते वो है ही नहीं यार। और अब चलते हैं अपने, बेटा 10 मिनट और लगाते बार तो हमारी वीडियो बन जाती है, और क्या? बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो उसको डांट, वो उसको डांट, और अब चल आप भी कर, वो तो बचपन से नहीं करती, अंजलि तो सबसे बेस्ट है, अंजलि ने हमें आज तक तंग नहीं किया, क्यों अभी रल के मस्ती करते हैं मिल के। अब आ गया हमारा बेडरूम, यहाँ से हम इंटर होते हैं, यहाँ पे जो है मैं, यहाँ पे मैं लेटता हूँ, और ये हमारी माशाल्लाह से LCD है, ये भी हम लोगों ने खुद परचेज की थी, ठीक है, इस पे कभी कभार हम लोग मूवीज वगैरह देख लेते हैं, अच्छा लगता है, हम मूवी देखते हैं, जब कोई बाहर से आता तो बोलते हैं आप इतनी ऊंची आवाज करके बात सुनते हैं कि आप सेल में बैठे, क्योंकि इतनी बड़ी तो लगती है लाइट बंद, इतनी बड़ी है लाइट बंद करके, इतना मजा आता है और बंदा फिल्म के अंदर खो ही जाता है, ठीक है। और ये है हमारा बेडरूम, ठीक है, और वो है अटैच वॉशरूम, और एक लमारी ये फिटिंग है, और ये लमारी जो है हम खुद लाए थे, और ये है हमारा प्यारा सा घर, और यहाँ पे जा सोता है, इधर जा सोती, इधर कभी नेहा हो जाती, कभी सैम पे, कभी सोया, हाँ बच्चा हमारे साथ होता है, कभी उधर तो कभी इधर, हाँ। तो ये है हमारा प्यारा सा घर, आप लोगों की मोहब्बत से, सपोर्ट से ये घर हम लोगों ने बनाया, अपना नहीं है, रेंट पे है, लेकिन आप लोगों का प्यार हमेशा साथ रहेगी, जब मतलब कोई रेंट का भी होता वो अपना करके बना रहता है, हाँ अपना ही है, हाँ घर तो अपना ही है, छत के नीचे है ना, अभी चलते तो है? आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत है ये, हैं अभी चलते हैं छत पे, छत पे चलो चलें जी, छत भी टूर कराते हैं आपको, आलू उबल रहे हैं, गैस कम कर दो थोड़ी, गले नहीं होंगे अभी है ना, नहीं अभी तो रखे थे, नहीं गले ना, अब चलते हैं छत का भी टूर कराते हैं आपको, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं आपस में, वो देखो कितनी मस्ती, और वो देखो वो हाँ ये मैंने इतनी एक्सपेंसिव ली थी, ये खराब हो गई है, गरम काफी थी लेकिन ये मुझे अच्छी भी नहीं थी लगती, क्योंकि इसका कॉलर यहाँ पे चौड़ा था ये बड़ा, हाँ मैं बोलता हूँ कॉलर के चिपक के आए ना, कॉलर गर्दन के साथ, ये देखो ये अंजलि के काम, अंजलि भी करती है, हम ही ये बंदा मस्ती करता है सबसे ज्यादा, अब देखो
लटक गई है बस। चलो ऊपर। इतनी बड़ी होके मम्मा के ऊपर। और ये है अंजलि शर्मा। और ये है जोया वर्मा। जोया वर्मा। और ये है नेहा कक्कर। नेहा, नेहा बहुत चाहते, बाकी सारे प्यारे नेहा बहुत चाहते। और ये है हमारा प्यारा सा, जाओ अंजलि भाई आया है। ये है हमारा प्यारा सा छत, और यहाँ पे काफ़ी इंजॉय होता है, यहाँ पे धूप में हम लोग आके बैठते हैं, ठीक है। और ये बिट्टी ने अपने शूज जो हैं धो के रखे हुए हैं। और ये है छत तेरा में। खानी आई है, खानी खानी आई है, खानी आई है। तो चलो चलते हैं, हमारे मेहमान आ गए, उनको टाइम वगैरह देते हैं। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, खूब सारा प्यार देना। हमारा होम टूर कैसा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।